पॉपकॉर्न को अगर दुनिया का सबसे लोकप्रिय स्नैक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। फिल्म देखते वक्त खाएं या शाम की चाय के साथ। दोस्तों, परिजनों के साथ गप्पे मारते वक्त पॉपकॉर्न खाएं या कुछ पढ़ते लिखते हुए अकेले खाएं। पॉपकॉर्न हर मौके और माहौल के साथ एकदम फिट बैठने वाला स्नैक है। ये हल्का भी और सेहतमंद भी है। हाँ, अगर आप इसमें नमक और मक्खन या तेल मिला देंगे तो इसकी सेहत वाली खूबी नहीं रह जाएगी। पॉपकॉर्न पूरी दुनिया में खूब खाया जाता है। इसकी सबसे पुरानी मिसाल अमेरिकी महाद्वीपों में मिलती है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में रेड इंडियन ठिकानों पर इसके दाने मिले हैं। सबसे पहले अमेरिका में खाया गया पॉपकॉर्न एक किस्सा तो ये भी सुनाया जाता है कि एक पुरातत्व वैज्ञानिक को जब मक्के के दाने मिले तो उसने उन्हें भूनने की कोशिश की। दिलचस्प बात ये रही कि करीब 1000 साल पुराने मक्के के दाने गर्म होते ही फूट पड़े। इसकी बड़ी वजह इसकी ऊपरी चमड़ी होती है जो बेहद सख्त और मोटी होती है। ये करीब 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही फटती है, तब इसमें से निकलता है पॉपकॉर्न। आज पॉपकॉर्न का नशा पूरी दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहा है। एक अमेरिकी नागरिक हर साल औसतन 50 लीटर पॉपकॉर्न खा जाता है। वहीं ब्रिटेन में पिछले 5 सालों में पॉपकॉर्न की बिक्री में 169% का उछाल देखने को मिला है। यूं तो इसका इतिहास बहुत पुराना रहा है, लेकिन सबसे पहले इसे खाने की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। अमेरिका के मूल निवासी इसे खाया करते थे। वहां बसने गए यूरोपीय लोगों ने भी पॉपकॉर्न को अपना लिया। मगर आपको इसके बारे में बहुत सी गलत फहमियां होंगी, तो चलिए उन्हें दूर कर देते हैं। पहली बात तो ये कि पॉपकॉर्न मक्के के उस भुट्टे से नहीं मिलता जो आप आमतौर पर खाते हैं या जिसके दाने आप खाते हैं। पॉपकॉर्न मक्के की एक खास नस्ल से तैयार होता है। पुरातत्व वैज्ञानिकों ने इसके दाने उत्तर पश्चिमी अमेरिका में कई गुफाओं में पाए हैं। इसके दक्षिणी अमेरिका में भी इस्तेमाल होने के सबूत मिले हैं। मशहूर अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस हार्पर गुडस्पीड ने बड़ा दिलचस्प किस्सा बयां किया है। 1941 में छपी अपनी किताब प्लांट हंटर्स इन द इंडीज में वो लिखते हैं कि उन्हें चिली के वैज्ञानिकों से करीब 1000 साल पुराने पॉपकॉर्न के दाने मिले थे। एक दिन गुडस्पीड को सूझा कि उन्हें भुना जाए। हालांकि गुडस्पीड को यकीन नहीं था कि वो दाने भुन जाएंगे, मगर तेज आग में पकाने पर वो दाने फटने लगे जैसे अभी पिछले साल की फसल के दाने हों। कैसे भूना जाता है पॉपकॉर्न? पॉपकॉर्न वाले मक्के के दाने की ऊपरी परत आम भुट्टों के दानों से 4 गुना मोटी होती है। ये चमड़ी ही इसके फटने की असल वजह होती है। इसकी वजह से ही दाने जलने के बजाय फटने लगते हैं। तापमान बढ़ने के साथ दानों के भीतर दबाव बढ़ता जाता है, और जब ये दबाव बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो दाने फट पड़ते हैं। वैज्ञानिकों ने तजुर्बे से पाया है कि आप पॉपकॉर्न के दाने पर दबाव बढ़ाकर उसे 2 गुने आकार का कर सकते हैं। ऐसे में जब वो भूनने पर फटेगा तो पॉपकॉर्न और बड़ा होगा। दुनिया भर में पॉपकॉर्न अलग अलग तरह से भूना जाता है। चीन में अक्सर सड़कों के किनारे लोहे के ड्रम के भीतर इन्हें भूना जाता है। इनका मुंह खुला रहता है। जब दाने फटने को होते हैं तो भूनने वाले इसके ऊपर कैनवस का झोला लगा देते हैं। फूटते हुए दाने उसमें भर जाते हैं। भारत में भी आपने पॉपकॉर्न को लोहे की कड़ाही में भूनते हुए देखा होगा, लेकिन अमेरिका में इसे बड़ी मशीनों में भूना जाता है। पहली बार पॉपकॉर्न भूनने वाली मशीन 1885 में सामने आई थी। इसे अमेरिका के इलिनॉय सूबे के चार्ल्स क्रिटर्स ने बनाया था। वो मूंगफली भूनने के लिए मशीन बना रहे थे। इन्हें भाप के इंजनों से बांधा जाता था जिसमें दाने और मक्खन मिलाकर रखे जाते थे। जोकर जैसा दिखने वाला एक आदमी इस मशीन की नुमाइश करता था। खाने पीने के इतिहासकार एंड्रयू स्मिथ लिखते हैं कि चार्ल्स क्रेटर और उनके सहायक अपनी पॉपकॉर्न भूनने की मशीन को 1893 के वर्ल्ड फेयर में लेकर गए थे। वहां दोनों आवाज लगाकर लोगों को पॉपकॉर्न चखने के लिए बुलाते थे। एक बैग मुफ्त में देने का वादा करते थे। स्मिथ के मुताबिक इस मशीन को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। पॉपकॉर्न को भूनते देख लोग खूब उत्साहित हुए थे। उन्हें पॉपकॉर्न का स्वाद भी पसंद आया था। आज भी चार्ल्स क्रेटर की कंपनी अमेरिका में पॉपकॉर्न भूनने वाली मशीन बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है। आज लोग पॉपकॉर्न को अच्छी सेहत के लिए भी खाना पसंद करते हैं। भले ही आप इसे नमकीन मक्खन वाला स्नैक समझते हो जो फिल्म देखते वक्त खाया जाता हो, लेकिन बिना नमक और मक्खन का ये दाना बहुत कम फैट वाला होता है। मार्केटिंग करने वाले इसे बहुत से हितमंद खाने के तौर पर बेचने में जुटे हुए हैं। पॉपकॉर्न की यही खूबी अमेरिका और ब्रिटेन में इसकी बढ़ती डिमांड की बड़ी वजह है। भले ही पैकेट बंद ज्यादातर पॉपकॉर्न नमक और मक्खन के साथ आता है, आप घर में बस इसे गर्म करके खा सकते हैं।
वैसे घर में दाने भूनने वालों को अब पता चल रहा है कि सिर्फ पॉपकॉर्न ही नहीं, चावल, जौ, गेहूं और अमरनाथ के दाने भी ऐसे ही भूनकर खाए जा सकते हैं। हालांकि वो फूटकर भी पॉपकॉर्न जितने नहीं फूलेंगे। आप फिल्म देखने जाएंगे तो रामदाना या अमरनाथ के दानों को तो नहीं ही खाएंगे। यानी फिलहाल पॉपकॉर्न का हमारी जबान, दिल और पेट पर राज कायम रहने वाला है।